समीर, आप देख रहे हैं समीर ब्लॉग्स। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है बजाज की 3 बाइक्स वर्सेस अपाचे 1 बाइक। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं पल्सर 150 यू, तीनों मॉडल ले लीजिए, 150 के तीन मॉडल है, पल्सर 150 वर्सेस अपाचे 164 रेलवे। यहाँ पे आप लोगों को कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए एंड दोनों में दोनों में क्या डिफरेंट मेजर प्रॉब्लम है, डिफरेंट है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूँ। बजाज की पल्सर 150 वर्सेस अपाचे 164 रेलवे, आपको कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए मेरे ओपिनियन से। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को हम बनाते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं किसी भी कंपनी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी किसी भी ब्रांड को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंट है, वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल का आइकन ऑन कर लो गाइस, एकदम फ्री है, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगी। और इसके इंटरेस्टिंग ये है कि आपके पास मेरी वीडियो पहुँच सके और आप मेरी वीडियो देख सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपाचे 160 वर्सेस पल्सर 150, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर सबसे पहले जो मेन चीज है आजकल का जो है ना, क्या लुक चाहिए भाई। भाई कोई बंदा अगर बाइक लेना चाहता है तो पहले उसे भाई यार क्या दिखती है ये भाई, देखो ये चीज भाई क्या लुक है आज का, समझ लो। मतलब ये कि अभी की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लुक। तो दोस्तों, अगर आप पल्सर 150 ऐसे तो अपाचे 164 वर्ग में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लुक के मामले में 160 अपाचे बाजी मार लेती है पल्सर के अकॉर्डिंग। क्योंकि दोस्तों, थोड़ा स्पोर्टी जो लुक है एंड जो प्यारा लुक मुझे लगता है अपाचे 160 का, और शायद अगर आप दोनों बाइक खड़े करेंगे तो वहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को अपाचे 160 अच्छी लगने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस। तो देखो, प्राइस के मामले में ना दोनों ही बाइक्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बजाज की जो 150 एसटीडी मॉडल और बजाज की 150 नियॉन मॉडल है ना, वो आपको अपाचे 164 रेलवे के कंपेयर में थोड़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर प्राइस के मामले में जाएंगे अपाचे 160 अर्चेस पल्सर 150 नियॉन पल्सर 150 एसटीडी रेगुलर मॉडल, तो यहाँ पे आपको पल्सर जो है वो बाजी मार लेगी। लेकिन जो UG5 मॉडल है दोस्तों पल्सर की, वो है थोड़ी अपाचे 160 के कंपेयर के रेट की, यानी दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे आप माइलेज के मामले में, तो माइलेज के मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं पल्सर बाजी मार लेती है अपाचे 164 रेलवे के कंपेयर में। अच्छी बाइक है पल्सर, क्योंकि आपको ज़्यादा वहाँ पे माइलेज मिल जाएगा कंपेयर करेंगे तो अपाचे 160 से, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ मेन ऑप्शन जो है कलर्स, तो कलर्स के मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं अपाचे 160 बाजी मार लेती है कंपेयर करेंगे पल्सर 150 से, तो क्योंकि कलर के मामले में अपाचे ने बहुत बहुत प्यारा लुक दिया हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो एक्चुअल में है। दोस्तों, अगर इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो पल्सर 150 एसटीडी मॉडल, पल्सर 150 नियॉन मॉडल है ना, वहाँ पे अपाचे 160 का जो पावर है वो थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपाचे जो 160 है वो पहली बाइक है जिसने 160-150 में 16 कुछ बीएचपी पावर दिए हुए हैं। इस वजह से दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा पावर मिल जाएगा अपाचे 160 में कंपेयर करेंगे तो पल्सर 150 से। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, अगर माइलेज के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बजाज पल्सर में ज़्यादा माइलेज मिलेगा कंपेयर करेंगे तो अपाचे 164 रेलवे से। तो यहाँ पे आपको पल्सर, अगर माइलेज के मामले में आपको अच्छी माइलेज वाली बाइक चाहिए तो आप जाओ पल्सर में, आपको अच्छा पावर वाला बाइक चाहिए तो आप जाओ अपाचे 160 में। दोस्तों, लुक में अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको को बताया, लुक में अगर आपको जाना है तो पल्सर 150 थोड़ा कम लुक मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको लेना है लुक वाली बाइक तो आप जाए अपाचे 160 में, और नॉर्मली लुक आपको चलेगा पल्सर वाला लो तो आप जा सकते हो पल्सर 150 में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ बताई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों के कंफर्टेबल में। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे जहाँ तक पता है, आज तक बजाज को कोई भी बीट नहीं कर पाया है अकॉर्डिंग टू उसके कंफर्टेबल में। कंफर्टेबल के मामले में बजाज बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। लाइक सीरियसली दोस्तों, अगर आप अपाचे राइडर हो, आपकी बाइक को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार पल्सर चला के देखो, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा। दोस्तों, मैंने फेस किया, मैंने पल्सर 150 को चलाया है पूरे एक दिन, ठीक है, और मैंने अपाचे को चलाया है लगभग 10-12 किलोमीटर तो मैंने चला लिया। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि अपाचे जो है ना वो कंफर्टेबल है, लेकिन कंपेयर करेंगे आप पल्सर से तो वहाँ पे वो उसको बीट नहीं कर पाती। तो दोस्तों, अगर कंफर्टेबल के बारे में बात करेंगे तो पल्सर 150 अपाचे 160 को बीट कर देती है। शोल्डर पेन, बैक पेन बिल्कुल भी नहीं होगा पल्सर में। अगर आप अपाचे को 100 किलोमीटर चलाओगे तो मैं लिख के देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपका बैक पेन और शोल्डर पेन हो जाएगा, लेकिन पल्सर 150 में कोई भी आपको बैक पेन नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पल्सर 150 कंफर्टेबल के मामले में अपाचे को बीट कर देती है। दोस्तों, पावर के मामले में बीट कर देती है अपाचे 150 थोड़ा कम पावर है, लेकिन दोस्तों इसका प्रॉफिट ये हो जाएगा कि आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बीएचपी पावर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को आज की स्टूडियो में बताया,
अभी थोड़ा वीडियो बचा है, मैं आपको थोड़ा पहले याद दिला दूँ। अगर लुक में जाना तो अपाचे 160 नॉर्मल लुक है, पल्सर भी बहुत प्यारी लगती होगी, लेकिन अपाचे 160 आपको ज़्यादा लुक दे देगी। पावर के मामले में अपाचे 160 नॉर्मल, और माइलेज के मामले में पल्सर 150। लेकिन दोस्तों प्राइस के मामले में अगर बात करेंगे तो पल्सर का जो 150 नियॉन मॉडल और 150 एसटीडी मॉडल है वो आपको अपाचे 160 से थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों की खासियत। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है 160 है फोर व्हील पे, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई अपाचे फोर व्हील निकाल दी तो बहुत पावरफुल है, तो उन लोगों को मैं ये बता दूं भाई कि पल्सर भी ट्विन स्पार्क पे काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों ट्विन स्पार्क क्या होता है, आपको जैसे पता है कि जो पल्सर की गाड़ी थी वो दो स्पार्क में काम करती है, और नॉर्मली जो अदर बाइक्स होती है वो एक स्पार्क में काम करती है। तो दोस्तों बेस्ट पावर तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा 160 में, लेकिन दोस्तों अगर माइल बाइक करेंगे दोनों की स्पीड में, दोनों के अगर रेस करना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को ना मतलब जो डिफरेंस है बहुत कम मिलेगा। अपने अपाचे है, पावर है उसमें, लेकिन पल्सर जो है ना 150 नॉर्मली उसको कैच कर लेगी, इतना ज़्यादा पावर मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंट दोनों बाइक पे नहीं है पावर के मामले में। तो पावर के मामले में दोनों बाइक सेम है दोस्तों, आप दोनों में से कोई भी बाइक ले सकते हैं। तो दोस्तों अब ये पूछेंगे कि भाई तूने तो इसको ऐसा ऐसा बोल दिया कि दोनों ही बाइक अच्छी, तो लेना कौन सा चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कन्फर्म कर देता हूँ चार टॉपिक पे, ठीक है। लुक चाहिए तो अपाचे में जाओ, माइलेज चाहिए तो पल्सर में जाओ, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया। दूसरा, बिल्ड क्वालिटी में चाहिए तो आप पल्सर 150 में जाओ, और नॉर्मल चलेगा आपको तो आप अपाचे 160 वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन पल्सर 150 में कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो पल्सर 150 में जाओ, लॉन्ग लास्टिंग आपको ध्यान नहीं देना, कुछ दिन यूज़ करना तो आप जा सकते हैं 160 में, भाई लॉन्ग लास्टिंग के मामले में पल्सर सबसे बेस्ट बाइक है, ठीक है। फोर, कलर्स के ऑप्शन में जाएंगे तो अगर कलर में आपको जाना था अपाचे 160 में जाइए, नॉर्मली आपको पल्सर में ज़्यादा कलर्स ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे, स्पोर्ट्सी कलर नहीं मिल पाते अगर कंपेयर करेंगे तो अपाचे 160 से। प्राइस के मामले में दोस्तों अगर जाना है तो 150-160 के, सॉरी अगर पल्सर के 150 एसटीडी मॉडल और नियॉन मॉडल में जाना है तो आप पल्सर में जाइए, और अगर आपको UG5 में जा रहे हैं प्राइस के कंपेयर में तो आप जाइए अपाचे 160, कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी है लुक के मामले में भी। तो दोस्तों और अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझे जितने मेजर प्रॉब्लम मतलब दोनों में चेंजेस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी ऑन करो ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट कर जरूर पूछना दोस्तों, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ में दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई कि आप जिम जा रहे हो, तो हाँ भाई मैं जिम जा रहा हूँ, तो अभी कुछ थोड़ा सा बना है ब्रो, मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद हो आप भी जिम जाओ, आपकी बहुत जल्दी बॉडी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही।